स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RS फाइनल डेस्टिनेशन में। और हम अपनी हिंदी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हिंदी के नए टॉपिक बर्तनी से। बर्तनी से वैसे काफ़ी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बर्तनी हमें दी जाती है जिसमें अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। देखने में वो हमें लगता है कि जो हमने किए वो सही हैं, लेकिन उनका सही रूप क्या होता है वो हमने बोर्ड पर लिखा है। क्या हम आपको बताएंगे किस तरीके की गलतियाँ वो करता है आयोग, और आपको किस तरीके से पहचानना है कि सही कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अंत्याक्षरी में क्या गलतियां आती हैं और वो हमें क्या गलतियां करके देता है। देखिए अंत्याक्षरी जो हमें वो लिख के देता है एग्जाम में, इस तरीके से लिख के देता है अंत्याक्षरी, और इसका सही रूप क्या होता है, ये इसका सही रूप होता है, और एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखी होती है, इस तरीके से लिखी होती है। तो हम इजिली पहचान लेंगे उसका सही रूप क्या है, उसकी सही बर्तनी क्या है। उसके बाद कवित्री, सबसे ज्यादा पूछी जाती है कवित्री, लेकिन सबसे ज्यादा गलत भी यही लिखा जाता है, क्योंकि इस पे ये क्या करता है, जैसे इस कवित्री को जब एग्जाम में लिखे देगा तो ये जो बड़ी छोटी की जो मात्रा चढ़ाता है ये वैसे पहले चढ़ा देता है, तो ये क्या बन जाती है, कवियित्री, जबकि ये होता है कवयित्री, तो ये इसका सही रूप होता है। अब बात करते हैं पूजनीय की। पूजनीय किस तरीके से एग्जाम में आपको दिया होता है वो देखिए, वो पूजनीय को क्या करता है, पूज्यनीय कर देता है, आधा जय य और निय, इस तरीके से आपको एग्जाम में वो लिखा हुआ देगा, तो इसका सही रूप क्या होगा, इस तरीके से इसका सही रूप होगा। अब देखते हैं तदुप्रांत, तदुप्रांत को जो एग्जाम में लिखा हुआ देता है उसको कहते हैं तदुप्रांत, मतलब इसको इस तरीके से लिखा, तदो और प्रांत इस तरीके से लिखा होगा, और जो सही इसका सही इसकी जो बर्तनी होगी इस प्रकार होगी। समझ में आया कि अंत्याक्षरी को किस तरीके से सही रूप में लिखना है, कवित्री किस तरीके से लिखा जाता है, पूजनीय किस तरीके से लिखा जाता है, और तदुपरांत किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे ज्यादा गलती होने का जो अवसर रहता है इसमें रहता है अनधिकार में, इसको एग्जाम में क्या लिखता है वो अनाधिकार कर देता है, मतलब ये इस तरीके इसको इस तरीके से देता है अनाधिकार, मतलब ना के बाद ये आ लगा देता है जो कि गलत वर्तनी है, तो सही रूप क्या है इसका, अनधिकार। उसके बाद अधीन, इसको क्या लिखता है वो अधीन कर देता है, आ के बाद एक और आ डंडा लगा देता है, जैसे आ धीन, इस तरीके से परीक्षा में दिया होता है, जो सही रूप इसका ये होता है। उसके बाद देखते हैं हम चर्मो उत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष में जो उसकी मिस्टेक होती है, सही रूप इसका ये है, लेकिन एग्जाम में इसको क्या लिखा हुआ देता है वो इसको लिख देता है चर्मो और रे पे यहाँ पे चढ़ा के कर्ष, मतलब ये जो सह के ऊपर रे लगा हुआ है ये एग्जाम में आपको नहीं देगा, और सही बर्तनी किस तरीके से लिखी जाएगी इसकी, इस तरीके से लिखी जाएगी। अब देखते हैं श्रीमती, श्रीमती में वो क्या करता है, जो तय पे जिन्होंने छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है ये इसमें बड़ी की मात्रा लगा देता, अर्थात इसका रूप ये इस तरीके से लिखे दे देता है जो कि गलत है, सही क्या है इसका, ये रूप है। उसके बाद कालिदास, कालिदास में भी मात्राओं की गलतियां होती हैं, क्योंकि कालिदास में जो ये छोटी की मात्रा है इसको ये बड़ी की मात्रा लगा के दे देता है, मतलब का ली दास हो जाता है ये। उसका अक्षुण, गरिष्ठ, गरिष्ठ की सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें गलतियां कर सकता है, जो ये ठ है गरिष्ठ, तो इसमें टे लगा देता है, ये क्या बन जाता है, गरिष्ठ हो जाता है, गा री स्ट, ये गरिष्ठ लिखा हुआ आता है, सही उच्चारण इसका क्या है ये है, और सही बर्तनी भी इसकी ये है। इसी प्रकार अंजलि में भी यही गलती करता है, वो बड़ी की मात्रा लगा के देता है। मैथिली शरण, मैथिली शरण में क्या गलतियां करता है, जो ये थे से पे जो मात्रा छोटी की है इसको बड़ी की बना देता है, और जो इस पे लय पे जो मात्रा चढ़ी हुई है बड़ी की इसको छोटी की बना देता है, अर्थात इसको इस तरीके से लिख देता है ये मैथिली, जो कि गलत है, सही क्या है इसकी वर्तनी, इस प्रकार होगी। इसी प्रकार है अनधिकृत, अनधिकृत को भी ये क्या करता है, ना के बाद आ लगा देता है जो कि गलत होता है। इसी प्रकार उज्जैनी, उज्जैनी में क्या करता है, जय पूरा दोनों जय को एक जय बना देता है, उज्जैनी लिख देता है जो कि गलत है, सही इसका ये होगा, बर्तनी इसकी सही होगी। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं निरोग, निरोग की सही जो बर्तनी है इस प्रकार की है, लेकिन हमें जो परीक्षा में दी होती है वो क्या होता है, इसमें छोटी की मात्रा लगा देता है और ये इस तरीके से इसको बना देता है जो कि गलत है, ये क्या है, ये गलत है और ये सही है। इसी प्रकार देखते हैं कृतघ्न, कृतघ्न को क्या करता है, वो पूरा इसमें घ बना देगा इस तरीके से, और जो कि गलत होगा, सही इसका क्या होगा, ये होगा। उसके बाद देखिए आजीविका, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वर्तनी है, इसमें क्या गलत करता है, इसमें इसको इस तरीके से लिखता है, ये एग्जाम में आपको देगा ये इस तरीके से लिख के आ जी वी का, मतलब कहने का ये हुआ कि जो मात्रा है इसमें गलती कर देता है,
जो इसकी बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा कर देता है और छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा कर देता है, जो सही जो इसकी बटनी है इस प्रकार है। इसी प्रकार अचोहिणी है, इसमें भी मात्राओं की गलती करता है, है पे बड़ी की मात्रा चढ़ा देता है और ढ़ पे छोटी की मात्रा चढ़ा देता है। सही उच्चारण, सही बटनी क्या है इसकी, ये है। इसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या में क्या करता है वो इस तरीके से लिख देता है जो कि गलत है, इस पे आप पे भी रा लगाया जाता है जो कि इस तरीके से सही होगा। उसके बाद निर्देशन, निर्देशन क्या होता है, इसका निर्देशन सही उच्चारण है, इसका गलत उच्चारण क्या, जिस तरीके से लिखता है वो इसको इस तरीके से लिख देता है निर्देशन, जो कि गलत है। ये क्या है, गलत है, और सही इसका क्या है, इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार ये सादृश्य को भी इस तरीके से लिखता है, इसको सा द्रा और शय, दृश्य पूरा शय बना देता है जो कि गलत होगा। सही इसका क्या बर्तनी होगी, इस प्रकार होगी। इसी प्रकार और देखते हैं इसमें बर्तन, इसमें इस बर्तन को क्या लिखता है, जो लिखा हुआ था गलत उच्चारण, गलत बर्तनी क्या होती है इसकी, ये होती है। और सही रूप से कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार उन्नति है, उन्नति पे क्या करता है, छोटी के स्थान पे बड़ी ई की मात्रा चढ़ा देता है जो कि गलत है, सही इसकी बर्तनी इस प्रकार होगी। तो इसी प्रकार दिग्भ्रांत में, दिग्भ्रांत में भी ये बड़ी ई की मात्रा चढ़ाता है, या ये जो दिग्भ्रांत को इस तरीके से लिख देता है जो कि गलत है, इस तरीके से रह निकालता है जो कि रह किसका प्रकार, इस प्रकार है। तो दिग्भ्रांत किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति में भी सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ आती हैं वो मात्रा की आती है, क्योंकि अतिशोक्ति में ये जो मात्रा चढ़ाता है तय पे, ये बड़ी की मात्रा चढ़ा देता है इस पे, और योग की पे भी ये छोटी की मात्रा चढ़ा देता है, तो क्या हो जाता है, अतिशोक्ति हो जाता है, आधा शय बना देता है कभी कभी, कभी कभी इसको इस तरीके से लिखा अधिशोक्ति, इस तरीके से लिख देता है जो कि गलत है। ये इसका सही रूप क्या होगा, ये होगा। अब देखते हैं ये जो मुख्य मुख्य हैं, प्रादुभाव, प्रादुभाव को एक किस तरीके से लिखता है, ये इस तरीके से लिख देता है, इसमें भी किसी गलती करता है, ये मात्रा उ की मात्रा की गलतियां करता है। इसी प्रकार अनुसंधान, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां में भी ये किसी गलती ज्यादा करता है, मात्राओं की गलती करता है, या कभी कभी क्या करता है, ये चांद लगा होता है ये नहीं देता है, जो गलत होता है, सही इसकी बटनी क्या है, इस तरीके की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगामी, सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, इसको क्या लिखता है, आगामी लिख देता है, जो इसमें आ के बाद जो ये आना चाहिए वो नहीं देता है, इसको क्या लिख के देता है वो परीक्षा में, वो लिख देता है आगामी, जो कि गलत है, सही इसका ये रूप होगा। आजमाइश, आजमाइश में भी आ की गलती आ जाती है, आजमाइश को क्या लिख देता, अजमाइश लिख देता है, इस तरीके से लिख देता है जो कि गलत है, सही इसका क्या है, आजमाइस। इसी प्रकार आहार है, इसमें भी आ की गलतियाँ होती, इसको आहार लिख दिया जाता है, सही इसकी जो बटनी आहार है। इसी प्रकार चाहर दीवारी, जिसको ये क्या करता है, चाहर दीवारी लिख देता है, लेकिन ये सही इसकी बटनी क्या, चाहर दीवारी। सही समझ में आया आप लोगों को, किस तरीके से इसकी बटनी में गलतियाँ होती हैं और किस तरीके से हम सही लगा सकते, सही का पता कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक है, व्यावसायिक में व्यावसायिक लिख देगा, मतलब आ की गलतियां कर देता है, इसको इस तरीके से लिख देता है व्यावसायिक, इस तरीके से इसको लिख देता है, जो कि सही उच्चारण इसका इस प्रकार है। इसी प्रकार अतिथि, अतिथि में मात्राओं की गलती करता है, अतिथि पे ये बड़ी की मात्रा चढ़ा देता है, कैलाश में छोटा जो इस प्रकार का शय लिखा होता है जो कि गलत होता है। इसी प्रकार शारीरिक में भी यही है, शारीरिक में जो ये मात्राओं की गलती करता है, सही इसके रूप, ये जो हमने लिखे हैं सही बटनी लिखी हुई है, हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या गलतियां वो करके दे सकता है। इसी प्रकार नाराज है, इसको नाराज लिखा पा सकते हैं आप, जैसे ना इसको इस तरीके से लिखा सकता है नाराज, और सही इसकी बटनी क्या होगी, इस प्रकार की होगी। इसी प्रकार बाजार, बाजार को लोग क्या लिखते हैं, वाह जार, मतलब बाकी जगह इसको वाह लिख दिया जाता है, जो कि गलत होता, सही उच्चारण क्या, बाजार, बाजार। इसी प्रकार बीमारी, बीमारी में भी यही है, इसको वाह बना दिया जाता है, सही उच्चारण क्या, बै। तो ये इसमें गलतियां मिलती हैं जो हमने अभी आपको बताई, और हम देखते हैं क्या क्या बर्तनियाँ सही हो सकती हैं। अब देखते हैं हतोत्साहित, हतोत्साहित में वो क्या करता है, हतोत्साहित इसमें क्या करता है कि ये जो ई की मात्रा है इसको छोटी ई की बना देगा, छोटी की मात्रा को बड़ी की कर देगा, या फिर क्या होगा, हताशताई हतो की जगह इसमें सा ये जो आ है इसको हटा देता है, तो इसका सही बटनी क्या होगा, हतोस्थाहित। इसी प्रकार प्राकथन, इसका दो कैप पूरा बना, इसको इस तरीके से लिख दिया प्रा का थन,
या इस तरीके से लिख देगा प्रा थन, जो कि गलत होगा। सही इसके काय वृत्ति होगी इस प्रकार से होगी। इसी प्रकार मंत्रिमंडल है, इसी प्रकार युधिष्ठर है। युधिष्ठिर में क्या करता है वो, ये ठर की जगह टर लिख देता है, युधिष्ठर लिख देता है, यू दी टर युधिष्ठर लिख देगा, या आपको पूरा ये युधिष्ठर भी लिख लेगी, मात्रा नहीं लगाता है। सही वृत्ति इसकी क्या होगी, इस प्रकार से होगी। उसी प्रकार उच्च खलता में क्या करता है, ये इस तरीके से लिख देता है, जो कि गलत होता है। इसमें से एक रह भी निकलता है। इसी के बाद दंपत्ति, दंपत्ति पे भी वही गलती करता है मात्राओं की, जो ये बड़ी की मात्रा है इसको छोटी की बना के दे देगा। इसी प्रकार बरात में वह बना के दे देगा। इसी प्रकार ये अन्योआश्रित में भी क्या करता है, इसको ये या तो आ नहीं लगाएगा ये वाला, या ये जो मात्रा है श्रीत ये वाली मात्रा को ये छोटी की बड़ी की बना देगा इस, और या इस तरीके की गलतियां ये दे सकता है। ऐसे संश्लिष्ट, संश्लिष्ट में क्या होता है, इसको दो तरीके से लिख सकता है। संश्लिष्ट इस पे ये जो अनुस्वार चढ़ा हुआ है ये आपको नहीं देगा, ये इस तरीके से दे सकता है। इसी प्रकार मृत्युंजय, मृत्युंजय जो होगा, मृत्युंजय में क्या करेगा, मृत्युंजय में ये तय कीजिए मृत्यु अंक, इस पे भी क्या लगता है अनुस्वार नहीं लगाता है, सीधा सीधा दे देता है मृत्युंजय। इसी प्रकार व्यक्तिक, इसी प्रकार स्वाति, रचयिता में भी इसकी एक ही मात्रा में गलतियां होती हैं, बड़ी या छोटी की मात्रा, रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा और ग्रहिता, ग्रहिता में क्या उसमें गलती लिखे देता है, ग्रहिता इस तरीके से लिखे देता है, जो सही इसका जो रूप वर्तनी है वो इस प्रकार है। इसी प्रकार है स्वातंत्र, स्वातंत्र में क्या गलतियां करके देता है वो इस तरीके की गलतियां आपको देगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, आपको इस तरीके से लिखा देगा ये स्वातंत्र, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो त्रय होता है ये आधा होता है, समझ में आया, ये त्रय जो होता है ये आधा होता है, इस तरीके से लिखा जा, सही इसका जो सही जो वर्तनी है इसकी इस प्रकार है। इसके बाद देखते हैं बिरहिणी, इसे बिरहिणी में वही मात्राओं की गलती, बिरहिणी में क्या करता है ये छोटी ई की मात्रा को बड़ी की बना देता है, बिर और इसको हिणी इस तरीके से लिख देता है, जो कि गलत है। इस पे क्या होता है, इस पे जो दो मात्रा है वो छोटी की होती है और रह पे जो मात्रा होती है बड़ी की होती है। इसी प्रकार प्रज्वलित देखते हैं, प्रज्वलित में क्या करता है, प्रा जा जा वलित इस तरीके से मिस्टेक देखता है, इसमें दो जय बना के देता है, जबकि सही जो बतनी होती है इसकी इस तरीके की होती है, इसमें सिर्फ आधा जा बनता है, दो जा नहीं बनता है। सही ये है, सबसे ज्यादा गलती हम इसी में करते हैं, लगता भी है कि यही ठीक है। उसके बाद समुज्ज्वल, समुज्ज्वल में देखिए, समुज्ज्वल में क्या करता है, जो समुज्ज्वल को इस तरीके से दे देगा आपको समूह जा बल, जहां पे इसके दो जय लगाने की जरूरत होती है वहां पे ये क्या करता है आधा जय लगा के उसको छोड़ देता है और पूछता सही कौन सा है, तो आप सही पहचान सकते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। अब बात करते हैं आशीर्वाद की, आशीर्वाद में माइनर गलती, छोटी सी गलती करता है ये, क्या गलती करता है ये, आ जो रा है ये इस पे लगा देता है सा पे और इस तरीके से लिख देता है, तो हम इसको हमें देखने में सही लगता आशीर्वाद, लेकिन सही इसका जो बर्तनी है इस प्रकार है, ये किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब बात करते हैं पारलौकिक, पारलौकिक क्या करता है, पारलौकिक को परलौकिक कर देता है या लिख देता है प्रालौकिक, प्रालौकिक पारलौकिक हमको लगता है कि जैसे ये जो शब्द है एक जैसे ही है, तो यहाँ पे गलतियां क्या करेगा, आ नहीं देगा, पारलौकिक लिख देगा या प्रालौकिक लिख देगा, तो आप इजी इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम निश्चेष्ट, निश्चेष्ट चेष्ट में क्या करता है कि जो टा है इसकी जगह ठा दे देगा, मतलब निश्चेष्ट, यही इसमें गलती करता है ज्यादा, लेकिन सही क्या है इसकी इस तरीके से है। उसके बाद भागीरथी, भागीरथी में क्या करता है गलतियों में, इस तरीके से आपको देगा भागीरथी, मतलब सिर्फ मात्राओं की गलतियां हैं। इसी प्रकार शुश्रूषा में, इसमें क्या करता है दोनों को, जैसे इसमें जो मात्राएं चढ़ी हुई हैं तो इसमें आपको गलतियां क्या देगा, इस तरीके से लिख देगा, या तो सिर्फ आपके मात्राओं में ही गलतियां देगा। उसके बाद दुर्निवार में भी इस तरीके की गलतियां देगा, रा नहीं लगाएगा और आपको दे देगा, आपको पहचानना होगा सही इसकी वर्तनी क्या है, तो आप इजीली पहचानेंगे। आपको इन वर्तनियों को लिख लिख के देखना है, एक बार देखेंगे दो बार देखेंगे इजीली, फिर कोई गलती नहीं होगी, ये आपको वर्तनी आना जरूरी है। उसके बाद ज्योत्सना, ज्योत्सना में भी सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, वो इस तरीके से इसको लिख के देगा,
देखिए, ज्यो त ता सना, या तो इसको तय को पूरा कर देगा या इस सै को नि पूरा कर देगा। तो आपको किस तरीके से लेगा, आधा जा यो, आधा ता, आधा सा, ना जो शना। कुमुंदनी परीक्षा में पूछी जा, ये बार सब परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसमें भी यही करेगा। जहाँ पे छोटे यू की मात्रा है वहाँ बड़े यू की कर देगा, जहाँ बड़े यू की छोटे यू, जबकि दोनों की समान ही मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार जिजीविषा, जिजीविषा इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें भी ये मात्राओं की गलती करेगा, छोटी और बड़ी की मात्रा में गलती करेगा। इसी प्रकार अधिशाषी, अधिशाषी में क्या करता है ये, इस अधिशाषी इसने लिखा, इसको इस तरीके से लिख देता है, या तो इस तरीके से लिखेगा या इसको इस तरीके से लिख देता है, जो कि दोनों गलत हैं। सही इसकी बटनी क्या होगी, इस प्रकार होगी। आप इसको देख के प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप सही से लिख सकते हो। उसके बाद उषा, उषा में क्या करता है, आता छोटा हुआ लेकिन इसको क्या करता है, बड़ा ऊ बना देता, अर्थात इसको इस तरीके से लिख देता है ये, जो कि गलत है। सही इसकी बटनी क्या होगी, इस प्रकार से होगी। और देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि ये बटनी पे आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, एग्जाम में इनमें से पूछी जा सकती हैं। हो सकता है कि जो एग्जाम आए सारी की सारी पूछ ली जाए, या एक दो मतलब चार पांच आए, तो 60-70% अगर तो जरूर इसमें से पूछी जाएंगी, याद रखना। उसका विदुषी, विदुषी का भी वही है कि मात्राओं की गलती करता है। इस पे जैसे विदुषी है तो इसको किस तरीके से गलत लिख सकता है, बी दू शी करके दे देगा। सही इसकी बटनी क्या, इस प्रकार है। इसी प्रकार उज्ज्वल की है, उज्ज्वल में सबसे बड़ी गलती क्या करता है, जो जय जय तो है इसको क्या करे, एक जय बना देता है और पूछता है सही बटनी क्या, तो आप पहचान सकते हो सही बटनी इसकी क्या होगी। इसी प्रकार संन्यास में आपको अनुस्वार, ये अनुस्वार जो चढ़ा हुआ है मतलब बिंदी, इसको नहीं देगा और देगा कि इसमें सही बटनी क्या, आप पहचान सकते हो अंकी बिंदी होगी, आधा ना होगा वही संन्यास होगा। इसके बाद देखते हैं आनुषांगिक, आनुषांगिक में क्या करता है, अनुषांगिक कर देता है, अर्थात इसमें दो तरीके की गलती की जा सकती है, कौन कौन सी, एक तो इसको अनुषांगिक कर देता आ नहीं देगा, या इसको आनुषांगिक ये मात्रा इधर से चढ़ा देगा, मतलब बड़ी छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा बना देगा, जबकि सही क्या है, आनुषांगिक। इसी प्रकार परीक्षा, परीक्षा में छोटी बड़ी की मात्रा है उसको छोटी ई में लिख सकता है। इसके बाद देखते हैं अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रही दोनों में अंतर है। अगर अनुग्रह पूछता है तो इस तरीके से, मतलब गा में सरा इस तरीके से निकलेगा, और अनुग्रहित पूछता है तो गा में सरा इस तरीके से निकले, याद रखना दोनों एक साथ इसीलिए लिखे गए हैं कि अनुग्रह में रा इस तरीके से निकलता है, अनुग्रहित में रा इस तरीके से निकलता है। द्वारका, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान में क्या करते हैं अधिकतर गलतियां, वो अंतर्ध्यान इस तरीके से लिख देता है। सही व्यक्ति क्या होगी, इस प्रकार से होगी। इसी प्रकार ये अहिल्या, इसमें पूरा ले लिख देता है, अहिल्या कर देता है। इसी प्रकार बंदना में बिंदी लगा देता है जो कि गलत है। कलेश में ये सै, इसमें कलेश को इस तरीके से दे सकता है, का लेस, जो कि गलत है। सही क्या है, ये होगा श्रृंगार, श्रृंगार में श्रा देता है, पूरा दे सकता है, गलतियां ये कर सकता है, आपको इस तरीके से दे देगा जो कि गलत होगा। श्रृंगार की सही बटनी क्या होगी, इस प्रकार से होगी। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपी को हिरण्यकश्यप लिख सकता है, और उद्दीप्त में उद्दीप्त लिख सकता है, मतलब दा की जगह धा लिख सकता है, तो सही उसकी बटनी क्या होगी। तो ये मुख्य मुख्य बटनी थी जो हमने आपको बताई, क्योंकि ये बटनी पेपर एग्जामों में ज़्यादातर पूछी गई हैं, तो आप एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार इनको जरूर देख लेना, और एक बार सही से इनको लिखकर भी देख लेना, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारी बटनी क्लास समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास सही लगी होगी, और अगर प्लीज़ इस अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि हमसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं या हुई हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो प्लीज़ जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें हमारे जरूर लिखिए क्या गलती हुई है, जिससे कि उन्हें सुधार किया जा सके।